नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए, धार जिले में तांत्रिक ने एक महिला पर तलवार से हमला कर दिया। महिला इलाज कराने उसके पास गई थी। तांत्रिक ने शरीर में डायन होने की बात कही। उसे बाहर निकालने के नाम पर उसकी पीठ पर तलवार से कई वार किए। वह बुरी तरह से घायल हो गई। उसे बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला डही ब्लॉक के बड़वानिया गांव में 23 नवंबर का है। यहां रहने वाली संगीता, उम्र 30 साल, पति कपिल को कुछ दिन से सिर और हाथ में दर्द हो रहा था। महिला ने बताया कि वह इलाज के लिए गांव के तांत्रिक अनिल के पास गई थी। अनिल ने कहा, ऊपरी हवा का साया है, शरीर में डायन ने प्रवेश कर लिया है, उसे भगाना पड़ेगा, मैं तंत्र मंत्र से ठीक कर दूंगा। संगीता का कहना था, मुझे तांत्रिक की बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने इलाज कराने से मना किया तो उसने मारपीट की, फिर पीठ पर तलवार चलाना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि तलवार से तांत्रिक क्रिया करने के बाद अनिल ने किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। चोट के निशान देखकर परिजन तुरंत मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां से डॉक्टरों ने मुझे बड़वानी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डही पुलिस ने आरोपी तांत्रिक अनिल, उसके भाई जितेंद्र और एक साथी के खिलाफ शनिवार को केस दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे ने बताया कि आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।